तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई काइट का अच्छा सा कलेक्शन दिखाओ, तो आज की वीडियो मैं इसी के ऊपर ले आऊँ। और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हमें काइट के नाम भी बता दो कि डिफरेंट डिफरेंट काइट के क्या क्या नाम होते हैं। तो अब ये वाली वीडियो पूरी देखना, तो इसमें सब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पतंग आप देखेंगे, काले कलर की पतंग है। और इस पतंग को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पतंग बहुत थोड़ी पुरानी लग रही है, मतलब 4-5 साल पुरानी पतंग होगी या उससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा, और कागज़ भी बहुत पुराना लग रहा है। तो ये तो नॉर्मल एक ब्लैक कलर की पतंग हो गई, और किसकी पतंग है ये तो दिख नहीं रहा है, कुछ उर्दू में लिखा है यहाँ पे। चलिए ये तो हो गई ब्लैक। अगली पतंग की तरफ बढ़ते हैं, पूरी नीली पतंग है। और कुछ लोग को नहीं पता कि गोल फर्मा किसे कहते हैं। तो भाई ये पतंग आप देख रहे होंगे, ये थोड़ी स्क्वायर के शेप में है, तो इसी ऐसे ही फर्मे को कहते हैं गोल फर्मा। और जो पतंग लंबाई में होती है, मैं आगे दिखा दूंगा, अगर कोई पतंग आएगी तो उसे लंबा फर्मा कहते हैं। फिलहाल ये गोल फर्मा है जो आप देख रहे होंगे। और पतंग ये बहुत महंगी है, कम से कम 15 रुपये से ऊपर की पतंग होगी। और इसकी काप और ठड्डे में भी बहुत काम करा गया, बारीकी से आप देख रहे होंगे, काले काले निशान पड़े हैं इसमें आँख के, तो बहुत बारीकी से काम करा गया, बढ़िया पतंग है। चलिए अगली पतंग की तरफ बढ़ते हैं। अगली पतंग ये देखिए, अंशु रिशु की पतंग है ये, काइट मेकर। और पतंग इस शेप की पतंग को आप कहेंगे चार खाना पतंग, जिसमें ये बॉक्सेस जैसे बने होते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट, इसे कहते हैं चार खाना। और ऊपर से आप इसे मंगोटिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए लाल कलर की पट्टी पड़ी है दोनों कोनों पे, तो जिसमें पट्टी पड़ी होती है उसे आप मंगोटिया भी कह सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी कह सकते हैं इस पतंग को। और पतंग बहुत बढ़िया, ये देखिए घुटाई भी की गई है शो के लिए, और कागज़ को मजबूती मिले इसके लिए भी, देखिए बढ़िया एकदम पतंग। चलिए ये पतंग हो गई, अगली पतंग की तरफ बढ़ते हैं। और तो ये देखिए एक और पतंग, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ तो आप देखेंगे इन शेप की पतंगों को, जिनमें ऐसे लाइन पड़ी होती है नीचे को, इनको कहते हैं गिलहरा, गिलहरा पतंग कहते हैं इन्हें। और साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे मांगदार पतंग भी कह सकते हैं, मंगोटिया जिसे हम कहते हैं, पतंग ये भी बढ़िया है। और पतंग का पेपर देख के पता चल जाएगा कि पतंग जर्मनी पेपर में बनी है, ये देखिए पतंग का पेपर बहुत ही बढ़िया है। और पतंग में घुटाई भी की गई है, घुटाई का मेन पर्पज़ होता है कि जो पतंग के जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेपर का यूज हुआ होता है, उसको मजबूती मिल सके। तो ये पतंग भी बढ़िया है। अगली पतंग की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए चांतर पतंग। अब देखिए इस पतंग के भी दो नाम हो सकते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ। पहला तो आप कह सकते हैं इसे चांदतार, क्योंकि इसमें चांद भी बना है और तारा भी बना है। और दूसरा नाम हो सकता है इसका कुन्नेदार पतंग, क्योंकि जिन पतंगों के बीच में ऊपर साइड में ऐसे ये आप देख रहे होंगे पिंक कलर का जो निशान बना है, इसे कहते हैं कुन्ने। तो आपके ऊपर है, आप इसे कुन्नेदार पतंग भी कह सकते हैं और चांदतार पतंग भी कह सकते हैं। इस पतंग में भी घुटाई हो गई है, और पतंग बहुत सॉलिड लग रही है, काप बहुत, काप ठड्डे एकदम सॉलिड है, बहुत भारी पतंग होगी, बढ़िया है पतंग, फंसा के लड़ाने में मज़ा आएगा इस पतंग को। चलिए अगली पतंग की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिए अंशु रिशु काइट मेकर की पतंग है ये भी। और देखिए ये तो हो गया मुड्डा, जो आप काले रंग का ऊपर डिज़ाइन देख रहे हैं, ये तो हो गया मुड्डा। और जो साइडों से आप डिज़ाइन देखेंगे, ये नया डिज़ाइन निकाला है इन्होंने, तो ये तो मुझे भी नहीं पता इस डिज़ाइन को क्या कहते हैं, लेकिन पतंग है ये बढ़िया। और घुटाई हर पतंग में की गई है, पतंग बहुत बढ़िया लगेगी ऊपर जाके, बढ़िया पतंग है ये भी। अगली पतंग ये भी अंशु रिशु की पतंग है, मुड्डेदार पतंग कह सकते हैं आप इसे, बढ़िया है, घुटाई तो हर पतंग में मिल जाएगी इनकी आपको। अगली पतंग की तरफ ये भी चांदतार पतंग है मंगोटिया में, और ये भी पतंग हैवी पतंग है, तेज़ हवा में लड़ाने में मज़ा आ रहा है इस पतंग को भी। अगली पतंग की तरफ बढ़ते हैं, चार खाना पतंग भी कह सकते हैं और सितारा पतंग भी कह सकते हैं। अगर ना पतंग में घुटाई होती है ना, तो पतंग जब आसमान में जाती है ना, तो वहाँ से वो चमकती है, जब उसमें सनलाइट पड़ती है तो बहुत ही बढ़िया चमकती है पतंग, इसलिए घुटाई में मज़ा आता है, घुटाई करी पतंग लड़ाने में बहुत बढ़िया लगती है आसमान में जाके ऐसी पतंगें, ये तो वही है। अगली पतंग आप देखेंगे तो तिरंगा पतंग कह सकते हैं, इंडियन फ्लैग बना है इसमें। और इस पतंग को आप 15 अगस्त को लड़ाना पसंद करेंगे, बढ़िया है पतंग ये भी, 15 अगस्त को लड़ाना पसंद करेंगे आप इस पतंग को। अगली पतंग चांद तार में कुन्नेदारी है, तो वही पतंग आ गई। अब देखिए अंशु रिशु की एक और पतंग आ गई है, और ये पतंग भी बहुत बढ़िया है, देख लीजिए डिज़ाइन। और पत्ते में आपको ऐसा डिज़ाइन जो आप देख रहे होंगे पहली बार देखने को मिलेगा, आमतौर पर पत्ते में कोई डिज़ाइन नहीं होता है,
लेकिन इनके पत्ते में आप देखेंगे तो एक इन्होंने डिज़ाइन दे रखा है, बढ़िया लग रही है पतंग ये भी, और बहुत ही बढ़िया लगेगी पतंग आसमान में जाके। अगली पतंग चार खाना पतंग है, नॉर्मल है, सही है पतंग एकदम। अगली अब देखिए फिर से मुड्डेदार पतंग आ गई, घुटाई हर पतंग में मिल जाएगी, ये वही आ गई। और ये देखिए अंशु रिशु काइट मेकर, ये फिर से उनकी पतंग आ गई। अब देखिए ऐसी पतंगें जो ऐसी रंग बिरंगी पतंगें होती है ना, ये ज़्यादातर बहुत से बहुत 600 या 700 ये ज़्यादातर पतंगें 600 या 700 मीटर के पेज में लड़ जाएंगी। उससे आगे अगर आप इन पतंगों को लड़ाते ना तो थोड़ा ये दिखना बंद हो जाती, इसलिए अगर आप 1000 या 1200 तक का पेज लड़ा रहे तो आप कोशिश करें कि पूरी या तो ब्लैक पतंग लड़ाएँ या ब्लू पतंग लड़ाएँ, ये दोनों पतंगें बेस्ट होती हैं 1000 या 1200 तक का पेज लड़ाने के लिए। और ऐसी पतंगों से आप लड़ा सकते हैं 600 या 700 गज का पेज लड़ जाएगा, 600-700 मीटर का पेज इन पतंगों से भी, बढ़िया पतंग। अगली पतंग फिर से मुड्डेदार पतंग है, हटाओ, देखिए मुड्डेदार पतंग है, मुड्डे में डिज़ाइन बनाया गया बहुत बढ़िया, और पट्टेदार भी कह सकते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पेपर है इसमें और बीच में लाइन पड़ी है, तो पट्टेदार भी कह सकते हैं आप इस पतंग को। और मुड्डे में देखेंगे तो चांद का वो सितारे का निशान बना है, बढ़िया पतंग ये भी। कॉस्टली पतंगें जितनी भी आपको दिखा रहा हूँ सब कॉस्टली पतंगें, 15 से ऊपर की पतंगें होंगी सारी। अंशु रिशु काइट मेकर की ये भी एक और पतंग आ गई, सितारा पतंग, बढ़िया है। नेक्स्ट पतंग दिखाते हैं, ये भी है एक और पतंग, ये भी सितारा पतंग है और पटेदार कह सकते हैं। ये तो सब वही पतंग है जो मैंने अभी आपने देखी है। अब ये देखिए ये कौन से काइट मेकर की है तो लिखा नहीं है, लेकिन पतंग उसी में की सेम ही है पतंग ये भी जो आपने अभी देखी थी। ये देखिए क्या कलर है पतंग का, एकदम मेहंदी कलर है, बढ़िया है एकदम पतंग ये। तो फिर मुड्डेदार पतंग, मुड्डेदार एक और, ये देखिए पतंग इतनी खास नहीं है, पतंग सही से काम नहीं कर रहा इस पतंग में, किसी पतंग है दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन पट्टेदार पतंग है, देखिए आप। अब देखिए ये देखिए कोलकाता के कारीगर की पतंग है और ऊपर लिखा जयपुर काइट, ये देखिए जयपुर वालों की काइट बहुत फेमस है, जयपुर वालों की काइट ऑल ओवर इंडिया में बहुत फेमस है जयपुर वालों की काइट, और काफ़ी डिमांड में रहती है इन लोग की काइट क्योंकि बहुत बढ़िया पतंग बनाते हैं ये लोग। देखिए कितनी बढ़िया पतंग लग रही है, और अब पतंग का आप कागज़ देखेंगे तो यहाँ से पीला पड़ रखा है, इसका मतलब ये पतंग थोड़ी पुरानी हो चुकी है, मतलब 3-4 साल इसकी एजिंग करी जा चुकी है इस पतंग की। आप जब भी पतंग अपने लाएँ ना अपने लिए तो पहले उसे कम से कम 6 महीने के लिए पतंगें रख दें, क्योंकि उसके बाद पतंग लड़ाने में अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि जो उसके काप और ठड्डे होते हैं वो अपनी अपनी जगहों में फिक्स हो जाते हैं। कभी भी नई पतंग मत उड़ाया करिए जो हाल ही में बनी हो, कोशिश करें कि पुरानी पतंग उड़ाया करिए आप। अगली पतंग दिखाता हूँ आपको, जयपुर काइट की पतंग है, मौर्य काइट लिखा है नीचे, और पतंग बहुत बढ़िया है ये भी। और अगली पतंग ये भी जयपुर काइट की, और पतंग ये भी बहुत पुरानी है, पत्ता एकदम आप देखेंगे तो सड़ गया है, पत्ते में एकदम फंगस लग गई होगी, इसलिए उन्होंने पत्ते की टेपिंग करी है और ऊपर पूरी यहाँ पे ठंडे में भी टेपिंग करी गई है, बहुत पुरानी पतंग लग रही है। उस्ताद अजगर भाई की पतंग है ये, बहुत बढ़िया पतंग है ये भी, और अच्छे खासे नामी काइट मेकर है ये भी। अगली पतंग ये देखिए क्या कौन सी पतंग आप देखते रहिए, बढ़िया एकदम पतंग, मज़ा आ जाएगा ऐसी पतंगें लड़ाएंगे आप तो गेम में, बहुत बढ़िया पतंग है ये भी। अगली पतंग ये भी जयपुर काइट की पतंग है, इरफान खानदानी इनका भी बहुत नाम है, और बहुत बढ़िया पतंग है ये भी, देखिए पौना है शायद, और घुटाई भी करी गई है पतंग में, सारी पुरानी पतंगें 3-4 साल पुरानी है, उससे भी पुरानी होंगी, और इनका भी नाम बहुत है, इरफान खानदानी का भी नाम बहुत है, अगर आप एक क्लब काइट फाइटर हैं तो आपको इनका नाम पता ही होगा। अच्छा अगली पतंग की तरफ हम बढ़ते हैं, ये देखिए श्याम लाल जी की पतंग है ये, काले रंग की पूरी बढ़िया पतंग है एकदम। और देखिए जिन पतंगों का पत्ता ऐसे पीला पड़ जाता है ना तो आप खुद ही समझ जाना कि वो पतंग 4-5 साल पुरानी है, जिनका पत्ता ऐसे पीला पड़ गया जिन पतंगों का। अगली पतंग आप देखेंगे पटेदार पतंग है, ओरिजिनल बाबू खान पत्ता देखेंगे, ये भी पुरानी पतंग है और पतंग बहुत बढ़िया है,
लुटाई उटाई की गई है, मज़ा आ जाएगा ऐसी पतंग लड़ाने में। और ये तो मंजा, ये देखिए मंगोटिया पतंग, और आज के कलेक्शन की लास्ट पतंग पूरी काली, ये देखिए सही है पतंग। ये तो अद्दी नहीं है, शायद मंझोली पतंग है, डिज़ाइन अच्छा बनाया है इस पतंग में, लेकिन पतंग जो है ये मंझोली है। ये देखिए मंगोटिया एकदम, तो देखिए पटेदार, ये है आज की लास्ट पतंग। तो ये देखिए पटेदार, ये है आज की लास्ट पतंग। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और यार आप दूसरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, उसको भी, मेरे दूसरे चैनल को, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जल्दी से जाओ और उसे भी सब्सक्राइब करो। और आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट भी करना कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों में, यार जो भी आपके पतंगबाज दोस्त होंगे सब में शेयर कर देना इस वीडियो को। तो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।